अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे। मैं इस टाइम मेन बुलेवर्ड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये C1 मेन बुलेवर्ड है सेक्टर ए का, जिसको अब ओवरसीज प्राइम कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लॉट नंबर 4 है, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहला घर लाहौर स्मार्ट सिटी में बनने वाला वो यही घर होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस घर को कंस्ट्रक्शन से पहले क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा चुकी हैं। वापडा का मीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, इसको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वापडा की तरफ से दी जा चुकी है। उसके बाद इसका जो सीवेज का निज़ाम है, उसके बाद यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह का निज़ाम है, उसके बाद वाटर की आउटलेट जो वाटर टैंक से आ रही है डायरेक्ट, वो यहाँ पे दी जा चुकी है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह हम देख सकते हैं कि वाटर की आउटलेट भी यहाँ पे दी जा चुकी है, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले किसी भी फर्द को कोई भी चीज़ रुकावट जो है वो किसी किस्म की नहीं होगी। हर फैसिलिटी यहाँ पे बिफोर टाइम जो है वो अवेलेबल है। तो मैं इसलिए कहता हूँ ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिले, जहाँ पे आपको पोजेशन के टाइम पे हर चीज़ मिले। ऐसा ना हो कि आपको पोजेशन मिल गया लेकिन अभी रोड जो है वो अभी तक ब्लैक टॉप नहीं, सीवेज का काम अभी रहता है, पानी का भी कोई पता नहीं है, यानी सारी चीज़ें वहाँ पर अभी कुछ ना कुछ मिसिंग है। यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी थिंग, हर बेसिक फैसिलिटी, हर बेसिक नेसेसिटी मिल रही है। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं।